एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा लिंक टैलेंट इज माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑनलाइन शॉपिंग रिव्यू। जी हाँ, मैंने फिर से एक साड़ी मंगवाई है। बहुत टाइम से मुझे नेट फैब्रिक में कुछ चाहिए था और मैंने ली है ये वाली येलो कलर की साड़ी। मैंने सोच रखा था कि मुझे ये वाली साड़ी चाहिए ही चाहिए और आज फाइनली वो साड़ी मेरे पास है। इन दिनों में मुझे ना लग रहा है कि येलो कलर मेरे लिए बहुत लकी है, क्योंकि इतने सारे कपड़े मेरे पास येलो कलर के ही हैं फिलहाल। और मैंने ब्लाउज भी लिए हैं ऑनलाइन। और बहुत से ऐसी वुमेन्स है कि उनकी कंप्लेंट है कि मैं आपको साड़ी दिखाती तो हूँ लेकिन उनकी बाइंग लिंक आपको नहीं प्रोवाइड कर पाती, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम जो भी साड़ियाँ है वो मैंने मार्केट से ली है। बट इसके बाद ना मुझे भी मन कर रहा है कि मेरे पास यूनिक डिजाइनर पैटर्न्स हो, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऑनलाइन लूँ। तो बहुत पहले से मैं ऑनलाइन साड़ियाँ ले रही हूँ, बट फिलहाल क्या हुआ था ना, इन दिनों में कोरोना टाइम था तो मैं कुछ ले नहीं पा रही थी। बट अभी मैं एक दो साड़ीज लेने वाली हूँ डिजाइनर पैटर्न, क्योंकि मुझे यूनिक सा पसंद होता है, जैसे कि आपको पता है। एक्चुअली मुझे ये वाला पैटर्न यूनिक क्यों लगा, क्योंकि इसमें जो थ्रेड वर्क है ना, मुझे ये इस तरीके का वर्क टाइप कुछ रहता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि ये हैंडी वर्क लगता है, थ्रेड वर्क है और हैंड वर्क जैसा लगता है। और इतनी प्राइस में इतना अच्छा कुछ हमें मिलता है, बहुत कम प्राइस है गाइस इसके क्वालिटी के हिसाब से। और मैंने जिस वेबसाइट से इसे लिया है ना, उस पे मुझे लगता है कि ये ओरिजिनल मुझे मिला है, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इतना सॉफ्ट है। और इसकी फिनिशिंग देखो आप, यहाँ ये मोती वाली डिजाइन, और ये आप देख सकते हो कितने प्यारे मोती यहाँ पे लगाए हुए हैं ये लेस को, और बहुत प्यारी लेस है इसकी। साड़ी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसे हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होने वाला है। इसका जो प्रिंट है, जो वर्क है, जो फैब्रिक है, नेट का फैब्रिक, ओवरऑल इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लास्ट वाले वीडियो देखे होंगे ना आपने, उसमें मैंने लहंगे दिखाए थे, उसमें से मैं पिंक वाला लहंगा रखने वाली थी। तो जी हाँ, उसी लहंगे पे मैं ये साड़ी वेयर करने वाली हूँ एज अ दुपट्टा। वो लुक मैं जल्द ही क्रिएट करके उस पर फोटोज निकालूंगी, वीडियो निकालूंगी और इंस्टाग्राम पे जरूर डालूंगी। और लुक उसका लगता कैसा है, बहुत सही लगेगा। पिंक वाले लहंगे पे ये वाली साड़ी बहुत सही जाने वाली है। इस तरीके की जो डिजाइनर नेट फैब्रिक वाली साड़ी होती है ना, वो लहंगे के ऊपर पहनते कैसे है, तो मैं वो भी वीडियो जरूर डालूंगी। इसका लहंगा भी बहुत सही से हो जाता है और ओवरऑल लुक जो है बहुत प्यारा लगता है। मैं आपको क्या बताऊँ, आपको फोटोज और वीडियोस देख ही पता चलेगा। तो आप देख भी सकते हो कि मैं इसके ऊपर ना पिंक कलर का ब्लाउज भी बहुत सही से जाएगा, बट मेरे पास फिलहाल तो नहीं है पिंक कलर का ब्लाउज। इंस्टाग्राम पे अक्सर बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग की, जहां से हम अलग अलग प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे ऐसे ही एक अकाउंट है साड़ियां शॉपी करके, जिसमें आपको लेटेस्ट फैशन, ट्रेंडी और यूनिक सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बहुत प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें, आपको कुर्ती, शर्ट्स और साड़ीज, अलग अलग डिजाइनर पैटर्न, ज्वेलरी भी आपको मिलेगी। ये सभी चीजें जो है वो आपको वहां पे मिल जाएंगी। और सभी जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो हाई क्वालिटी के होते हैं। जैसे कि मैंने तो देखा है, मैंने 2-3 प्रोडक्ट्स मंगाए, मैंने सिर्फ साड़ी नहीं मंगाई, मैंने ब्लाउजेस भी मंगाए, क्योंकि मुझे बहुत से लड़कियों ने रिक्वेस्ट करी थी कि दी आप ब्लाउज कहाँ से लेते हो, प्लीज बाइंग लिंक देना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक दो ब्लाउज मैं ऑनलाइन मंगवाऊ, और अगर वो मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं उनकी बाइंग लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो मैंने वहां से ब्लाउज भी मंगाए हैं। और आपने ऑब्जर्व किया होगा, मेरे टाइम से मेरे पास कोई नेकलेसेस नहीं थे, तो मैंने चेक करा, मुझे वहां पे नेकलेसेस भी बहुत अच्छे लगे और मैंने सोचा कि क्यों ना उनको भी ट्राई किया जाए। तो मैंने 2 नेकलेसेस भी वहां से लिए हैं। तो इसके बाद ना मैं आपको ब्लाउज भी दिखाने वाली हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में ज्वेलरी का बनाऊंगी, उसमें मैं आपको नेकलेसेस दिखाऊंगी। अगर आपके घर में किसी की हल्दी हो तो आप खुद भी इसे वेयर कर सकते हो, अगर ब्राइड खुद हो तो ब्राइड भी इसे वेयर कर सकती है। तो बहुत प्यारी साड़ी है, अगर अभी तो लाइट इफेक्ट्स नहीं है फिर भी ये साड़ी इतनी प्यारी लग रही है। आप सोचो अगर आप किसी प्रोग्राम में जाते हो, वहां के जो लाइट इफेक्ट्स होते हैं वो आपके साड़ी के ऊपर अगर पड़ेंगे तो आपका जो लुक है पूरा का पूरा कैसे लगने वाला है आप इमेजिन करो। और मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको वेयर करने के लिए। आई डोंट नो मैं कब इसको वेयर करने वाली हूँ, लेकिन हाँ मैं इसको वेयर करके शॉर्ट्स वीडियो जरूर बनाऊंगी, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो जल्दी वो शॉर्ट्स वीडियोज भी आने वाले हैं। आज तो मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया है, बट मैं जब भी मेकअप लुक क्रिएट करूंगी ना इस साड़ी के ऊपर, बिल्कुल हल्दी सेरेमनी में जो किया जाता है उसी टाइप में मेकअप लुक क्रिएट करूंगी, बिल्कुल ब्राइडल वाला मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो उस दिन मैं जरूर शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगी और इंस्टाग्राम पर, रील्स पर और एमएक्स टकाटक स्नैक वीडियो उस पर अपलोड करूंगी। तो इसके ऊपर ये वाला फैब्रिक आया था ब्लाउज पीस का, फैब्रिक अच्छा खासा है। और साड़ी की जो लेंथ है ना वो मैं आपको बताना भूल गई, पूरी प्रॉपर जो हमारी नेचुरल साड़ी होती है जितनी हमें चाहिए होती है, 5.5 मीटर चाहिए होती है ना, उसी लेंथ में है ये, 5.5 मीटर है ऐसा कुछ करके है। तो लेंथ अच्छी खासी है, ब्लाउज पीस का फैब्रिक बनारसी सिल्क में आएगा और ये सॉफ्ट नेट में साड़ी है। इसकी जो विड्थ है ना वो पूरा 1 मीटर में आएगी और ये लेंथ जो है वो 80 सेंटीमीटर में आएगी। तो आप इसका ब्लाउज सिला सकते हो। मेरे पास ये इस तरीके का येलो कलर का नेट फैब्रिक में ही ब्लाउज था, जो कि मैंने आपको बहुत पहले दिखाया है ब्लाउज कलेक्शन में। तो ये ब्लाउज
इस पर जा रहा है, बट सही से अगर जाने वाला है तो पिंक कलर का ऐसा मुझे लगता है, तो पिंक कलर का बाद में मैं सिलवाऊंगी। नेट फैब्रिक में येलो कलर की साड़ी जिसमें आपको ये प्यारा डिजाइन देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हो कितना प्यारा डिजाइन है और पूरा हैंड वर्क से काम किया हुआ है, थ्रेड वर्क है इसपे और प्यारे प्यारे फ्लावर्स है और लीव्स है। इसके ऊपर जो भी प्रिंट है ना, जो भी डिज़ाइन है, बहुत प्यारी लग रही है गाइज। पूरे साड़ी पर आपको इस तरीके की प्रिंट मिलेगी और जो कि प्लेट्स पर आएंगी और पूरा पल्लू है उस पर आएंगी ये वाली प्रिंट, और बहुत प्यारा नेट है। आपको दिख रहा होगा कितना सॉफ्ट वाला नेट है और बिल्कुल भी रफ वाला नहीं है, बहुत एक्सट्रीम सॉफ्ट वाला नेट है जो कि वेयर करने के बाद आपको बहुत कंफर्टेबल लगने वाला है। प्लेन लेस आएगी और प्लेन लेस के बॉर्डर पे इस तरीके से मोती आपको मिलेंगे जो कि वाइट कलर में है और गोल्डनिश भी है, तो बहुत प्यारी लग रही है लेस भी। जहाँ पे प्लेट्स आते हैं, ये प्लेट वाली साइड है, यहाँ पे आपको इस तरीके से डिज़ाइन मिलेगी और आप चाहो ना तो इस पर वर्क भी कर सकते हैं कुंदन लगा के, और भी आप इसको चमका सकते हैं। एक एक कुंदन आपको डालना है अगर आप थोड़ा सा शाइन इसमें चाहते हो। और डीच है, यूनिक है, जो कि आपको मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिलने वाली, सिर्फ और सिर्फ ये आपको ऑनलाइन मिलेगी। मैंने जहाँ से ली है वहाँ से आपको एग्जैक्ट इसी तरीके की साड़ी मिलेगी, यही फैब्रिक, यही डिज़ाइन, कुछ भी अलग नहीं आने वाला, बस यही पैटर्न आपको मिलने वाला है। और भी दो अलग अलग प्रोडक्ट्स लिए हैं जो है। तो गाइज ये ब्लाउज मुझे रिसीव हुए हैं, ये मेरा पहला वाला ब्लाउज जो कि मैंने येलो कलर में लिया है। आप देख सकते हो प्रॉपर येलो कलर है, बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका भी, और एक यूनिक पैटर्न मैंने लिया है जो कि मैंने इससे पहले कभी इस टाइप का कोई ब्लाउज वेयर नहीं किया था, तो इसीलिए मैंने दिस टाइम सोचा कि ऐसा ही कुछ क्यों ना वेयर किया जाए, तो इसलिए मैंने ये मंगवा के देखा है। और फर्स्ट टाइम मैंने ऑनलाइन कुछ ब्लाउजेस लिए हैं और वो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ये है इसका प्रॉपर डिज़ाइन, ऑफ शोल्डर में आएगा, यहाँ पे कप दिए हुए हैं और यहाँ पे मोती वर्क है, और जो फिनिशिंग है मोतियों की वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये जो मोती है ना गाइज, ये पूरे फिक्स किए हुए मोती हैं, ताकि अगर जब भी आप वॉश करें इनको, किसी भी तरीके से यूज़ करें, तो भी ये मोती नहीं निकलने वाले, क्योंकि ये प्रॉपर फिक्स किए हुए मोती हैं तो ये नहीं निकलने वाले। ये बात मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी, और मोतियों का कलर भी येलो किया है तो ये बहुत सही जा रहा है इसके ऊपर, और ये जो पूरा ऊपर का कट है ना वो इस तरीके से हो जाता है, और बैक साइड में भी आपको इसी तरीके की फिनिशिंग मिलेगी, मोती मिलेंगे। और मैं आपको जिप दिखाती हूँ, ये इस तरीके की जिप आएगी और पूरा यहाँ से ओपन हो जाता है बिल्कुल इस तरीके से। आपको सिर्फ और सिर्फ इसको फिटिंग करवाना है क्योंकि ऑलरेडी स्टिच है, आपको सिर्फ फिटिंग करनी पड़ेगी। इसका जो फैब्रिक है वो सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड वाला फैब्रिक नहीं है, बनारसी सिल्क। अंदर से आपको इस तरीके का अस्तर मिलेगा और ये इस तरीके के कप मिलेंगे जो कि उन्होंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं, और अंदर का जो फैब्रिक भी है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, थीक वाला मटेरियल है, तो पूरा जो ब्लाउज है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो ये था मेरा पहला ब्लाउज। देन नेक्स्ट मैंने जो ब्लाउज लिया है वो ये ब्लाउज है, यहाँ पे भी उन्होंने कप दिए हुए हैं, पूरा सीक्वीन वाला ब्लाउज है, प्रिंसेस कट, इसका इसकी जो फिनिशिंग और स्टिचिंग है वो प्रिंसेस कट स्टाइल है, और पंचकोनी इसका नेक दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो पंचकोनी है, और इसको अगर आप चाहते हो स्लीव्स लगाना तो अंदर से उन्होंने स्लीव्स भी इस तरीके से स्लीव्स भी प्रोवाइड की हुई है जो आप देख सकते हो, लॉन्ग नहीं है, साढ़े तीन इंच तक आप स्लीव्स इसको लगवा सकते हैं। और ये बैक साइड में इस तरीके से आएगा, यहाँ पे चार हुक्स दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4 हुक्स की क्वालिटी और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये हमें मिल जाता है। और यहाँ पे ये इस तरीके से नॉट भी आपको मिलेगी, ये देखो यहाँ पे आप नॉट भी लगवा सकते हो, अगर आपको लगता है कि नेक लॉन्ग है तो आप नॉट भी लगा सकते हो। तो ये था मेरा सेकेंड परचेस ब्लाउज, तो इसकी भी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी और प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। तो ये थे मेरे दो ब्लाउजेस और साड़ी। मैंने जो ब्लाउज मंगवाया है वो यूनिक सा ब्लाउज मैंने लिया है इस बार, बहुत टाइम से मैंने कुछ यूनिक नहीं वेयर किया है, लॉकडाउन की वजह से मैं ब्लाउज भी नहीं स्टिच करवा पाई हूँ, तो इसीलिए मैंने जो ब्लाउज लिया है ना वो रेडीमेड है, कोई फैब्रिक नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ मुझे स्टिच करवाना है, तो ये ऑफ शोल्डर करके ये ब्लाउज लिया है। इसकी जो पूरी फिनिशिंग, इसका जो लुक है ना वो बहुत सही लग रहा है, बट मैंने इसके पहले कभी इस टाइप का ब्लाउज मैंने सिलवाया नहीं था, कुछ अलग यूनिक तो ट्राई करना ही चाहिए ना, तो जब भी मैं डिजाइनर साड़ी वेयर करूंगी उसके ऊपर ये सही जाने वाला है। और स्टिच करके ब्लाउज कितने महंगे जाते हैं
वो मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैक्सिमम ब्लाउज जो है मैंने स्टिच करके ही लिए हैं, फैब्रिक लेके, मैं फैब्रिक खुद चॉइस करती हूँ, उसको अस्तर लेना, उसको वर्क करना, स्टिच करवा के लेना अच्छी तरीके से। तो इस सभी प्रोसेस में ना गाइस इतने ज्यादा पैसे निकल जाते हैं, 1,000-1,500 तक मेरे तो चले गए हैं आज तक डिजाइनर ब्लाउज बनाते बनाते। आपको अच्छे से पता है कि अगर आप बाहर कहीं पे स्टिच करवाने के लिए जाते हो तो डिजाइनर आप कौन सी भी डिजाइन डालो, जितनी डिजाइन आपकी यूनिक रहती है उतने पैसे बढ़ जाते हैं। अगर जीप लगाओ तो 20-30 रुपीज चले जाते हैं, फिलहाल तो 50 रुपीज हुए हैं। तो इस तरीके के अगर आप पैटर्न डालोगे ना तो 750-800 रुपीज तो ऐसे ही निकल जाते हैं स्टिचिंग में। तो मैंने 700 में 2 ब्लाउजेस लिए हैं, वो जो वर्क है ये फिक्स वाले मोती है, आप इसको किसी भी तरीके से धुलवाओ, कैसे भी यूज करो, ये निकलने नहीं वाले हैं। तो मुझे ये इनकी क्वालिटी बहुत सही लगी, फर्स्ट टाइम मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि ब्लाउज आते कैसे है, फैब्रिक या वो सब कुछ देखना होता है। तो मुझे फिनिशिंग भी चाहिए थी, फैब्रिक भी अच्छा चाहिए था, क्योंकि मुझे इचिंग चुभने वाला कुछ भी सह नहीं होता, मुझे सिर्फ सॉफ्टी मटेरियल वाला कुछ चाहिए होता है। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत सही है, हार्ड मटेरियल जिनको सूट नहीं होता, सहन नहीं होता, उनके लिए ये बहुत बेस्ट है ये इस तरीके के ब्लाउजेस। हाँ, बट ये एक्स्ट्रा डिजाइनर पैटर्न है, हर कोई इसको वेयर नहीं कर सकता। तो ये गर्ल्स के लिए, कॉलेज गर्ल्स के लिए और जो पतली वुमेन्स है उनके लिए ये सच में सही है। सेकेंड मैंने लिया है ये वाला ब्लाउज, ये मेरे पास तीसरा रेड कलर का ब्लाउज है, तीसरा नहीं आई थिंक सो चौथा है, क्योंकि रेड कलर आपको तो पता है कितना कॉमन कलर होता है, बहुत सी साड़ीज रेड कलर के ऊपर जाती है। और मेरे पास तो सिक्विन वर्क वाले और नेट वाली फैब्रिक वाली कुंदन वर्क वाली साड़ीज बहुत है, फिलहाल तो मैंने आपको उन्हें नहीं दिखाया है क्योंकि वो सरप्राइज है, मैं बाकी जब साड़ी कलेक्शन दिखाऊंगी उसमें वो वाली साड़ीज बहुत जल्दी आने वाली है, जिसको मैंने हाथ से वर्क किया था वो वाली साड़ी। थोड़ा सिक्विन वर्क में आ रहा है, पंचकोनी इसका नेक डिजाइन है आगे का, और पीछे का जो है वो सा स्क्वायर शेप है। यहाँ पे आपको हुक्स मिलेंगे, ये यहाँ पे लॉक होता है, we'll be right back.